उपचुनाव शुरू होते ही नेताओं के बोल बिगड़ने लगे हैं। बड़ा मलेरा से कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती ने बक्सवाहा में अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए भाजपा प्रत्याशी की तुलना कालनेमी राक्षस से की। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी को फोड़े से निकला हुआ मवाद बताया। छतरपुर के बड़ा मलेरा में होने जा रहे उपचुनाव में नेता भाषा की मर्यादा भूलने लगे हैं। बड़ा मलेरा से कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती ने बक्सवाहा में कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा कि हम लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी को 15 महीने पहले 15 दिन में विधायक बनाकर भेजा था, लेकिन वे हमें छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। रामायण में एक कालनेमी राक्षस था, वह संत नहीं था, लेकिन जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने कालनेमी को पहचान कर उसकी क्या दशा की थी उसको पता है। हनुमान जी ने पूछ से कालनेमी को पछाड़ मारी थी। इस दौरान भारती ने कहा अगर खता हो जाए या फुंसी हो जाए तो उसे फोड़ कर मवाद निकाला जाता है। कि ये जो अभी आप लोगों के बीच में 15 महीने के लिए आए थे, इनको आपने 15 दिन में बना के पहुंचा दिया था। लेकिन आप लोगों ने रामचरित मानस में एक प्रसंग देखा होगा और सुना भी होगा कालनेमी। ऐसे इन्होंने वहां से आकर के कालनेमी बनने का काम किया और हम लोग समझ नहीं पाए और हमें उनकी असलियत का, जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कालनेमी की पहचान की थी कि ये वास्तव में कालनेमी है। अच्छा एक बार बताओ तो हनुमान जी ने क्या दुर्दशा की थी कालनेमी की? तो मैं यही कहती हूँ, लपेट हनुमान जी ने अपनी पूछ में बांध करके और जिस प्रकार से पछाड़ मारी तो ये कहीं का नहीं रह गया कालनेमी। ऐसे मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ, हमारे बुंदेलखंड के लोग सब जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे खता हो जाए, खता फुंसी और छोटी सी हो कनक खुदिया दो घेट ना कर दे तो फिर कितना घेरा है लोट के नहीं, जो खतरी है इसकी जब तक घेट नहीं निकाल दे तो फिर से खेला है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।